नमस्कार, मैं हूं करुणा पांडे और आप देख रहे हैं JN9 न्यूज। तो आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। घंटों इंतजार करने पर नहीं पहुंचे राहुल गांधी, मौजूदा सरकार ने नहीं दी परमिशन। भाजपा सरकार जननायक राहुल गांधी के हेलीपैड में बाधा डालकर भी इंडिया गठबंधन की हवा कमजोर नहीं कर पाई। बाराबंकी जनपद के मदारपुर तिराहे पर राहुल गांधी की जनसभा आयोजित की गई, परंतु मौजूदा सरकार की वजह से, परमिशन ना मिलने की वजह से राहुल गांधी नहीं आए। उनकी जगह पर भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, यूपी प्रभारी प्रमोद तिवारी, अविनाश पांडे ने आकर मोर्चा संभाला। राहुल गांधी के बारे में जनता द्वारा शक्ति दिखाने पर कल आने वाले प्रधानमंत्री पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि उन्होंने परमिशन नहीं दिया, इसलिए न्याय संकल्प रैली में उमड़े जनसैलाब ने बता दिया। बाराबंकी की जनता इस बार तनुज पुनिया को जिताकर भाजपा से 10 साल के अन्याय का बदला जनता जरूर लेगी। कांग्रेस पार्टी के नेता ने जनता से कहा, आने से तो रोक सकते हैं, लेकिन जनता के वोट की चोट से नहीं रोक सकते हैं। अयोध्या मंडल, रवि वर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में आए हुए सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, मंच पे उपस्थित सभी नेतागण, यहाँ पर आए हुए सारे जनता पत्रकार बंधु, हमारे नगर पंचायत और आसपास से आए हुए सभासद प्रधानगण, आज राहुल गांधी जी का ये जो कार्यक्रम है, किसने जनसंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद आदरणीय चेयरमैन साहब। साथियों, हमारे बीच में और आप सबसे अपील करता हूं, आने वाले 20 तारीख को आप सब हाथ के पंजे पे बटन दबाकर तरुण पुनिया जी को भारी मतों से विजय बनाइए। इससे गठबंधन की इस चुनावी जनसभा में उपस्थित इस मंच पर हमारे सभी आदरणीय नेतागण, सभी हमारे अतिथिगण, दूर दराज से आए हुए हमारे पूरे जिले के